ओके जो हमारा एरर है ओके इसमें ए में कितने का है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए का है, मतलब मैंने किसी पैरामीटर को अगर टू मेजर करा तो मान लो टू में मेरे से जो एरर आया प्लस माइनस 0.3 आया, प्लस माइनस 0.3% हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसपे इमोशनल नहीं होना है, मेरे को फोकस करना है 0.3 पे। मतलब जब मैंने टू एरर करा, टू मेजर करा लेंथ कुछ भी, ठीक है, मेरा जो एरर था प्लस माइनस 0.3% था। यह चीज तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर पढ़ के आए होगे, पढ़े हो तुम लोग, ओके। मतलब 2 प्लस माइनस 0.3% था, मैंने b को मेजर करा, b ओके अलग मान लो लेंथ है, मैंने a को मेजर करा और फिर b को मेजर करा, जब मैंने b को मेजर करा हमारे पास 3 प्लस माइनस 0.2% है, प्लस माइनस ओके 0.2% है। अब अगर मेरे को a प्लस b करना है, क्वेश्चन ये होगा तुम्हारे पास कि a प्लस b में कितने का एरर आया बच्चे, 0.3 प्लस 0.2 0.5 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी 2 साल तक काम आएगा, बोर्ड छोड़ो 2 साल तक जिंदगी भर काम आता है। मतलब ए में 2 प्लस माइनस 0.3% का एरर था, बी में 3 प्लस माइनस 0.2% का एरर था, तो ए प्लस बी में कितने का एरर आया, 0.5 प्लस 0.2 0.5%। यहां पर भी हमें नहीं रुकना है, ए माइनस बी में कितने का एरर आएगा, उतना ही आएगा, ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, दोनों में एरर क्या आता है, सेम आता है। ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, दोनों में एरर क्या आता है, सेम आता है, और एरर हमेशा ऐड होता है, ऐड हमेशा एरर क्या होता है, ऐड होता है। ये ऐसी कहानी से तुम समझ सकते हो, अच्छा मेरे माइंड में एक कहानी आया, यस मान लो ओके मैंने कोई गुनाह किया, ठीक है, किसी गरीब लोगों को सताया, ठीक है, और लोगों की नजर में आ गया कि मैंने गरीब लोगों को सताया है, ठीक है, उसके बाद ओके मेरे पास बहुत पैसा हो गया, मैंने परोपकार का काम कर दिया, ठीक है, ओके कुछ परोपकार गरीब लोगों को बीच कंबल बांट दिया, ओके गरीब लोगों को बीच टी शर्ट बांट दिया ठीक है, और फिर मैं उनके साथ एक और दुर्व्यवहार कर दिया, फिर मैं उसके साथ एक और दुर्व्यवहार कर दिया, तो मेरे कंबल बांटने से मेरा दुर्व्यवहार कम नहीं हो जाएगा, मेरा कंबल बांटने से दुर्व्यवहार कम नहीं होगा, जो दुर्व्यवहार है हमेशा ऐड होगा, यही तो एरर है, एरर हमेशा ऐड होता है। तुम कितना भी दूसरी बार आके पॉलिश लगा दो कि नहीं अब नहीं करूंगा, फिर से करोगे तो ऐड होगा, मतलब एरर हमेशा ऐड होता है, चाहे प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और रूल पढ़ने वाले हैं आज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से प्रोडक्ट में भी और डिविजन में भी एरर हमेशा सेम होगा, और वो कैसे होगा उस चीज को बताता हूं। इन दैट इस क्वेश्चन को समझना, वैसे तुम्हें समझ में आ चुका होगा, फिर भी एक बार और देखो, मान लो हमने टेम्परेचर का मेजर किया जो कि मेजरमेंट है 20 डिग्री सी प्लस माइनस 0.5, इनका मतलब तेरे को समझ में आ रहा है, हम तो थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, तो कभी मैं रीडिंग ले रहा हूँ 20.5, कभी ले रहा हूँ 19.5, कभी ले रहा हूँ 20, फिर 20.5, फिर 19, फिर ओके 19.5, फिर 20। उसी तरह से जब दूसरे बार टेम्परेचर ले रहे हो T2 से, तो 50.5 आ रहा है, 50 आ रहा है, 49.5 आ रहा है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम, या तो क्वेश्चन तेरे से पूछेगा कि T1 प्लस T2 बताओ या T1 माइनस T2 बताओ, जो तुम्हारा ये वाला वैल्यू है, जो नॉर्मल एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसको तुम्हें T1 प्लस T2 के लिए ऐड करने हैं, तो 20 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 70 डिग्री सी। जो T1 माइनस T2 है उसको तुम्हें 50 माइनस 20 सबट्रैक्ट करने हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मोर, 20 माइनस 50 का मोर, 20 माइनस 50 माइनस 30 माइनस 30 का मोर 30, मतलब 50 माइनस 20 मतलब 30। अब मेरे को जो काम करना है एरर पे करना है, एरर जो आएगा प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 मतलब 70 डिग्री सी प्लस माइनस 1 डिग्री सी 70 ओके ये कितना आया यार 30 डिग्री सी प्लस माइनस 1 डिग्री सी मतलब तुम चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो
कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेरा एरर हमेशा 1 डिग्री सी आएगा, तेरा एरर एरर हमेशा 1 डिग्री सी आएगा, ठीक है। तो हियर यू आर एडिंग योर एरर इज 1 डिग्री सी, हियर यू आर सब्ट्रैक्टिंग इवन दैट एरर इज 1 डिग्री सी, so this is 50% your concept is covered over here, you are adding or subtracting your error will be, मतलब simply बात है, error को क्या करना है, add करना है। एक और question देख लो एक second में, मान लो okay हमने किसी length को measure करा, ठीक है, तो length L1 हमारे पास है 2 meter plus minus 0.1 okay meter, ठीक है, और जो हमारे पास L2 है that is 5 meter plus minus 0.2 meter, अगर तुम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 0.3 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर 3 मीटर एरर क्या होता है हमेशा ऐड होता है, एरर क्या होता है हमेशा ऐड होता है, सबट्रैक्ट करोगे 5 माइनस 2 3 एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब किसी से किसी को सबट्रैक्ट करो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, क्लियर है, सो दैट इज इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन LHS.